नमस्कार दोस्तों, सब भारतीयों के लिए न्यू ईयर पर काफ़ी अच्छी खबर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। इंग्लैंड में मंजूरी मिलने के बाद अभी भारत ने भी इसको मंजूर कर दिया है। और भारत में इसका जो टीकाकरण है कब शुरू होगा, इसके बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का जो टीका है, पहला टीका देने के बाद कितने दिन में इम्यूनिटी बनेगी और कितने परसेंट लोगों में बनेगी, इसके बाद दूसरा टीका कब दिया जाएगा, सबसे पहले वैक्सीन किन लोगों को मिलेगी, इन सब पॉइंट्स में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत मोरे, आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की है कि इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, उसके इस्तेमाल के लिए वहाँ मंजूरी मिल गई है। इंग्लैंड की MHRA ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इसके बाद भारत में भी नए साल के शुरुआत में कल इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है। और इस वैक्सीन की जो तैयारी है 4 महीने से चल रही है, इसका प्रोडक्शन पुणे में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। इसके लगभग 5 से 10 करोड़ डोज पुणे में तैयार है और हर महीने ये 10 करोड़ डोज और बना सकती है, तो भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है। फाइजर वैक्सीन अप्रूव होने से ज़्यादा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है, ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीयों के पास ये वैक्सीन उपलब्ध है। पुणे में इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, चल रहा है और वो अपनी कैपेसिटी अभी फरवरी से दोगुनी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो वैक्सीन है ये दी जाएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है ये लगभग 1 करोड़ है। इसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है ये 2 करोड़ है, तो 3 करोड़ लोगों को ये सबसे पहले दी जाएगी। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स का नंबर आएगा और जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई BP है, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन मिलेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आने तक तो साल गुजर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 3 करोड़ लोगों को डोज देते हैं तो 1 महीने में अभी 5 करोड़ डोज अवेलेबल है। अभी कितने फास्ट तरीके से इसका रोल आउट होता है उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो 5 करोड़ लोगों को तो पहले महीने में मिल जाएगा और इसके बाद हर महीने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया, तो जल्दी जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सकता है। इसके बाद और वैक्सीन कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। अभी इस वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में, तो इंग्लैंड में सोमवार से इसका वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। और सोमवार में जैसे इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो भारत में भी 2-3 दिन में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आज पूरे भारत में इसका ड्राई रन चल रहा है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में इसका ड्राई रन चल रहा है कि जो कोविन ऐप इसके लिए तैयार किया है ये कैसे काम कर रहा है, इसका जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब सही तरीके से है या नहीं, ये सब जांचा जा रहा है। तो अभी जैसे मंडे को इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो भारत में भी 3-4 दिन के अंदर ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि भारतीयों के लिए ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ने फ्री के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे भारत का, हेल्थ सेक्टर, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो दूसरे वैक्सीन कैंडिडेट्स है, जैसे फाइजर ने एप्लीकेशन दिया है तो उसको भी अप्रूवल देके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसके जो टेम्परेचर कंडीशंस है उसको मेंटेन करने की तैयारी करेंगे। और जो लोग पे कर सकते हैं उनके लिए प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे अभी 1-1.5 महीने में क्या होगा कि जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उसको वैक्सीन मिल जाएगी, तो इसके बाद गवर्नमेंट जो है प्राइवेट में वैक्सीन अवेलेबल कर सकती है, क्योंकि सब लोगों को फ्री में नहीं चाहिए वैक्सीन। काफ़ी लोग पे करने के लिए तैयार है तो उनको वो पे करने का ऑप्शन है, अवेलेबल होना चाहिए। इसके फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। और वैक्सीनेट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग कह रहे हैं अभी तो कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, केसेस कम आ रहे हैं, 20,000 से कम आ रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लैंड और अमेरिका में यही हुआ था, केसेस कम हुए, लेकिन अभी जो वहाँ भयंकर वेव चल रही है और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ्स हो रही है, तो भारत में ये वेव आने से पहले, नए पेशेंट्स बढ़ने से पहले ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो सेफ तरीके से सोसाइटी में जो है इम्यूनिटी आएगी। अभी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ये क्या सेफ है,
तो अभी जो इसका डेटा आया है उससे देखा गया है कि वैक्सीन काफ़ी सेफ है, जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं काफ़ी माइल्ड है, और कुछ एक दो लोगों में जो न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स देखे थे वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, और वो पेशेंट्स भी रिकवर हुए हैं, कोई पेशेंट्स की डेथ नहीं हुई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड वैक्सीन काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में और एक अच्छी बात ये है कि इसको काफ़ी मतलब कम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करना पड़ता है, जैसे फाइजर वैक्सीन है -70 पे स्टोर करनी पड़ती है, तो ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है इसको फ्रीज के टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो हमारे घर में फ्रीज रहता है 2 से 8 डिग्री उसका टेम्परेचर रहता है, तो उसमें ये स्टोर कर सकते हैं 6 महीने तक। और इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये होगा कि भारत के हर हिस्से में हर गाँव में इसको पहुँचाना काफ़ी सुलभ हो जाएगा। -70 के डिग्री पर वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट और उसका स्टोरेज करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो इसके वजह से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ये बाकी वैक्सीन्स को जो है स्पर्धा में पीछे कर सकती है, और इसके डोसेज जो है इन भी काफ़ी बड़ी संख्या में अवेलेबल है, और इसके डोज भी है काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार हो रही है। पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ डोज 2021 में बन रहे हैं, भारत में हर महीने इसके 100 करोड़ डोज पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में बनेंगे, तो ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है। तो अभी इस वैक्सीन के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे स्पुतनिक वी है, फाइजर है, मॉडर्ना है, इन वैक्सीन्स को उपलब्ध कराना चाहिए, जो लोग पे कर सकते हैं वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो शुरुआत में हमने कहा था कि इसका पहला डोज देने के बाद इम्यूनिटी कब आती है, तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद 3 हफ्ते में अच्छी इम्यूनिटी आती है, मतलब 3 हफ्ते होने के बाद जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 70% इसका इफेक्टिवनेस 3 हफ्ते बाद देखा गया है, और जो भी लोग जिनको कोविड हो जाता है उनको माइल्ड लक्षण आते हैं, मतलब किसी को हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीरियस नहीं होता है। तो और हमें क्या चाहिए, तो एक डोज काफ़ी प्रोटेक्शन देगा, और जो दूसरा डोज है अभी इंग्लैंड में 3 महीने बाद दिया जाएगा, और ये देखा गया है कि 2 डोज में अगर अंतर ज़्यादा रखे, 3 महीने का रखे, तो ये वैक्सीन है ये 90% इफेक्टिव है। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि स्पेसिंग करने का, 3 महीना अंतर रखने का, कि कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, तो जितने डोज बनेंगे उतने लोगों को अभी वैक्सीनेट किया जा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके, और जो वेव अभी इंग्लैंड और अमेरिका में आई है वो भारत में आने से पहले लोगों को वैक्सीनेट करके हमारी इंडिया में इतनी हर्ड इम्यूनिटी बन जाए कि इसका जो ट्रांसमिशन है ये पूरी तरह से रुक जाए। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरिस हिल टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।